आपको यकीन हो रहा है कि आपकी बेटी यहां तक पहुंच गई है <laughs> वो एक शो में आता है ना मैं कौन सा शो <laughs> मैं अपने मुंह से नहीं बोलना चाहता था मतलब <laughs> <laughs> इंडिया के सबसे बड़े शो में इस वक्त यहाँ पर <laughs> <laughs> मैंने बोला मजाक में लेकिन झूठ नहीं है <laughs> Give an energetic and warm welcome to the one and only दौशनी मुखर्जी जी प्लीज बेटियर बेटियर आई एम फॉलिंग शॉर्ट ऑफ वर्ड्स टू एक्सप्रेस दैट फीलिंग कि कितने सालों से मतलब आपको देखते हैं वीडियोज में एंड

अपने बचपन में चली जाऊंगी तो मुझे ऐसा लगता है जब मैं बहुत छोटी जैसे बहुत छोटी एज में पाँच छः साल की एज में हम अक्सर ही घर पे वो टीचर स्टूडेंट वाला गेम खेलते हैं राइट तो वो कई बच्चों को पसंद आता है खेलना वो बोर्ड लगा कर बोर्ड लगा कर टीचर बन के एग्जैक्टली इनफैक्ट जब मैं अपने स्कूल में थी मे बी अराउंड क्लास सिक्स सेवन में जब मैं थी तभी भी मुझे जैसे बहुत बार ऐसा होता था कि जो मेरे से एक क्लास जूनियर हैं उनको चीज़ें समझाना बड़ा अच्छा लगता था और जिनको मैं समझाती थी वो भी बड़ा अप्रिशिएट करते थे कि हाँ दीदी दी, अच्छा समझ में आया टाइप्स जब मैंने अपनी पढ़ाई ख़त्म की यहाँ पर उसके बाद मेरी प्लेसमेंट हो गई तो मैं आई इंडस्ट्री में जॉब करने लगी मैं विप्रो में काम की हुई हूँ फिर मैं एच पी यूलट पकाड में मैंने जॉब किया है एज अ क्वालिटी एनालिस्ट मैं वहाँ पर अच्छा कर रही थी बट डीप डाउन ना मैं पढ़ाना ही चाहती थी ठीक <laughs> है तो मैं सोची कि क्या करूँ कभी सोचा कि ये जॉब छोड़ के स्कूल की टीचिंग जॉब ले लेते हैं बट चूंकि मैं उस समय आईटी में थी ना तो तब यूट्यूब पे टीचिंग का तो इतना था ही नहीं क्योंकि 2011 मतलब उस समय इंडिया में लर्निंग कंटेंट थे ही नहीं जिस तरह से लर्निंग कंटेंट नहीं था उसी तरह से पढ़ने वाले बच्चे भी कम थे यूट्यूब पे क्योंकि तो उस समय यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा बच्चे पढ़ने आते भी नहीं थे बट चूंकि उस दौरान मैं यूट्यूब का यूज़ करती थी जैसे ऐसे म्यूज़िक एंटरटेनमेंट यही चीज़ों के लिए यूज़ होता था तो तभी मुझे ये आइडिया आया था कि यूट्यूब पे करके देखते हैं मैंने कुछ वीडियोस डाली दो चार दो चार व्यूज आने लगे कुछ दो चार हफ्तों में और उसमें से एक बच्चे ने लिखा था कि मैम वॉट यू कुड एक्सप्लेन इन टेन मिनट्स माई टीचर कुड नॉट डू इन अ वीक उसने क्या सोच के लिखा था उसको तो मैं जानती भी नहीं हूँ बट वो जो कमेंट था ना उस कमेंट से मुझे ऐसा लगा कि मतलब कोई ऐसी चीज़ जो सिर्फ मैं अपने पैशन के लिए कर रही थी शायद वो सच में किसी और को उधर बेनिफिट कर रही है मतलब आप मानोगे नहीं कि उस दिन ना मतलब मैं ऑलमोस्ट खुशी से कूद रही थी कि मतलब किसी को इतना अच्छा लगा वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग दैट इज आई वेरी स्ट्रांगली डिसाइडेड दैट आई टू बिल्ड अ फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म तो ये बात है 2011 की ही और उस समय मैं ऑलरेडी थोड़े वीडियोस बनाना शुरू कर चुकी थी और साथ साथ में आप अपनी जॉब भी कर रहे थे हाँ साथ में मैं जॉब कर रही थी तो मैं सुबह चार बजे उठती थी वीडियोस बनाने के लिए तो वो अपने आप में जो है ना एक अलग जोश था एक अलग जज्बा था शुरू हुए 2011 में बनते रहे बनते रहे बनते रहे 2014 में मैंने डिसाइड किया कि मुझे जॉब छोड़नी है मुझे फुल टाइम करना है ताकि मैं और ज़्यादा बना सकूँ तो इस तरीके से जो है ना मेरा कंटेंट बनता गया बनता गया उसके बाद क्या हुआ कि चूँकि मेरे पास वो पूरा कंटेंट था एक तरीके से आप कह लो कि वो पूरा पैकेज था एंड इट वाज ऑल अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट सो so, धीरे धीरे करके जैसे नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी सी ये सारे अप्रोच करने लगे कि हमारे ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में हम आपके कंटेंट यूज़ कर लें क्या फिर धीरे yeah. धीरे करके बहुत सारे एन अप्रोच करने लगे कि हम अपने एन में आपके कंटेंट यूज़ कर लें क्या तो ये जो चीज़ें थी ना एक अलग लेवल की इसमें सेटिस्फेक्शन थी तो आपने इन सबको फ्री ऑफ कॉस्ट अलाउ कर दिया हाँ, प्लेटफॉर्म नहीं, 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 तो ही था ना हाँ, आई अंडरस्टैंड हाँ, पैसे, हाँ, पैसे नहीं, नहीं, नहीं sure प्लेटफॉर्म ने अप्रोच किया होगा जो पेड है हाँ, और हाँ, उन्होंने आपको बहुत बड़ा अमाउंट ऑफर किया होगा रेवेन्यू शेयरिंग बहुत लोग ऑफर करते थे तो आपने वो एक्सेप्ट किया या नहीं आज तक नहीं किया नहीं हाउ इज दैट पॉसिबल क्योंकि एक में देखा है चल रहा है किस किस किया, जो गेस्ट आए हैं वो बताते हैं कि उनको कितना पैसा मिलता है और कितना बड़ा बड़ा अमाउंट मिलता है आई एम श्योर आपको कम से कम भी नहीं तो 10-20 करोड़ 50 करोड़ के कई ऑफर्स आए होंगे इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ऑफर्स तो आते रहते हैं अभी भी आते बट करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। आप अभी भी एक्सेप्ट नहीं करते नहीं क्योंकि मुझे पता है कि मुझे क्या करना है मैंने बताया ना कि वो जो थाट थी ना सर कि मुझे फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म बनाना है वो थाट इतनी स्ट्रांग थी कि उस बात को 11 साल हो गए हैं बट उस थाट की स्ट्रेंथ अभी भी उतनी ही है मैं यहाँ पर एक चीज़ और भी ऐड करना चाहूँगा आज यहाँ पर लाखों लोग इस वीडियो को देखने वाले हैं क्या आप ये कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि फ्यूचर में भी अगर इस तरह के ऑफर्स आपके पास में आएंगे तो आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे इसको फ्री रखेंगे या अगर कोई बहुत बड़ा ऑफर आया मानो दस बीस करोड़ का है सौ करोड़ का तो आप कहोगे चलो जाने तो, क्या है कंटेंट ही तो है क्या फर्क पड़ता है नहीं मेरा कॉन्टेंट तो फ्री ही रहेगा क्योंकि मेरा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म है मैं इस फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म से कभी भी हटने वाली नहीं हूँ चाहे कुछ भी हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए प्लेटफॉर्म मेरा फ्री ही रहेगा ये होती है स्पिरिट Let's a big round of applause for her. मेरी बात ध्यान से सुनना। जब कोई इंसान ऐसा काम कर रहा होता है या कर रही होती है तो उसको हम लोगों की सपोर्ट की बहुत जरूरत होती है तो वी शुड ऑल एप्रिशिएट सच पर्सन जो इतना सेल्फलेसली एक काम को कर रही है बहुत बड़ी बात है जहां पर के स्पेस में क्या हो रहा है आप शायद सपने में भी नहीं सोच सकते हो कि लोग कितना कितना पैसा कमा रहे हैं वहां पर ये चाहे तो कितना भी कमा सकते हैं दो मिलियन सब्सक्राइबर्स कम नहीं होते हैं और 2011 से ही कर रही हैं और कंटेंट पूरा है इनके पास में हजारों वीडियोस हैं आई थिंक आपकी वीडियोस है हा, 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 अगर ये अपना कॉन्टेंट एज इट इज उठा करके किसी प्लेटफॉर्म को दे दें आज तो आई एम श्योर यू विल बी एबल टू गेट अ वेरी गुड अमाउंट बट आप कह रहे हैं कि सिर्फ आज नहीं फ्यूचर में भी मैं ऐसा नहीं करूंगी ऐसा तो मैं नहीं करूंगी वो तो मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि ऐसा कुछ भी कभी भी नहीं होगा ये फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म ही रहेगा तो बेसिकली अभी तक की जो स्टोरी थी ना ये तो बस ये स्टोरी थी कि हाउ आई स्टार्टेड और कैसे प्लेटफॉर्म बना आई एम सॉरी मैं आपको बीच में इंटरप्ट कर रहा बिल्कुल क्या आप इसके साथ साथ में कुछ कोर्सेज भी सेल कर रहे हैं नहीं कोर्सेज भी सेल नहीं कर रहे हैं नहीं तो आपका रेवेन्यू मॉडल क्या है सिर्फ जो एडसेंस से आता है वो और थोड़ा बहुत स्पॉन्सरशिप हाँ राइट राइट से मिला हूँ लेकिन जिस तरह से आप कर रहे हैं ऐसे बहुत कम लोगों को मैं जानता Anyhow, तो, मैं, मैं ये ये तो शुरुआत की थी कि मतलब मैंने कैसे किया और कैसे प्लेटफॉर्म को बनाया बट बीच की स्टोरी भी काफी इंटरेस्टिंग लग सकती है लोगों को क्योंकि ऐसे तो मुझे ग्यारह साल हो गए बट इस... मैंने भी देखा आपकी आंखों में पानी आ रहा था तो इट वॉज देट बिकॉज की आपको खांसी हो रही है या फिर नहीं नहीं थोड़ा इमोशनल हो गए थे शायद मैं थोड़ा इमोशनल हो गई थी ठीक। okay. <laughs> <आ, थेक। laughs> ये जो ग्यारह साल थे ना ये ग्यारह साल ऐसा नहीं था मेरा ऐसा नहीं था या ऐसा भी नहीं था ये जो ग्यारह साल है ना वो कुछ ऐसा था ऐसा था ऐसा था फिर ऐसा था तो आ, मैं चाहूँगी वो वाला पार्ट भी शेयर करना शायद बहुत से लोगों को उससे भी कुछ जानने को मिले कुछ सीखने को मिले क्योंकि जब कभी भी ये वाला पार्ट आता है ना तो अक्सर ही इस पार्ट के बाद हम इधर ही चले जाते हैं बहुत बार ऐसा होता है बहुतों के साथ 2016 के आसपास चैनल वाज डूइंग प्रिटी गुड मतलब उस समय के हिसाब से उस समय जैसे कि इतने ज़्यादा और चैनल्स थे भी नहीं तो जो हमारी जो ऑडियंस थी ना वो लॉयल ऑडियंस भी थी जो सिक्स में पढ़ रहा है वही सेवन्थ में भी पढ़ रहा है हमसे एट में भी पढ़ रहा है हमें सक्सेस स्टोरीज़ भी सुनने को मिल रही थी लोगों की इधर उधर से जैसे 2017 में हमारी एक स्टूडेंट थी दीपल जैन जिन्होंने एम पूरे बोर्ड में ना बायो में वो स्टेट टॉपर थी

कोई पांच भी ऐसे बच्चे हैं ना जिनका लाइफ हमारे कंटेंट की वजह से बिल्कुल बदल गया तो भी वो बहुत बड़ी बात है क्योंकि वो जो पांच लाइव्स हैं वो भी आगे जाके बहुत लाइव्स को बदल सकते हैं राइट बिकॉज दे आर गेटिंग एम्पावर्ड दैट मीज तो इस तरह से हमारी जर्नी चली 2016 में हमें काफ़ी रिकोगनीशंस भी मिलने लगे जैसे कि हमें लिमका बुक ऑफ रिकॉर्ड से रिकोगनाइज़ किया गया कि आपने उस समय पाँच से ऊपर कॉन्टेंट बन चुका था कि आप फाइव थाउजेंड प्लस वीडियोज फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा रहे हो तो लिमका बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने हमें रिकोगनाइज किया इनफैक्ट मुझे ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से भी हंड्रेड वीमेन अचीवर्स ऑफ इंडिया मिला था टू थाउजेंड सिक्सटीन मतलब अभी देख रहे हो ना अभी ये मतलब अभी अच्छा, अच्छा जा रही है। वाला हाँ। अच्छा अच्छा वाला चल रहा है मतलब हाँ। बहुत अच्छा हो रहा है फिर घर पे भी सब खुश है कि मतलब अच्छा हो रहा है मतलब मैं भी खुश हूँ एवरीथिंग इज ऑल गुड 2017 के बाद क्या हुआ जैसे जैसे अब मेरी फैमिली लाइफ में आई वेंट थ्रू माई मेटर्निटी मेरी लाइफ की अपनी एक मतलब जो भी पर्सनल ऑब्स्टिकल्स वगैरह आए तो मैं उतना कंटेंट बना नहीं पाई उस समय मतलब आई कुड नॉट प्रोड्यूस सो मच ऑफ कंटेंट क्योंकि नॉर्मली मेरे चैनल पे ना कंटेंट का वॉल्यूम हमेशा बहुत हाई होता था अब क्या हुआ आई विल इन अ फिक्स क्योंकि मेरे पास टीम तो है नहीं तो अगर मैं नहीं बना रही हूँ तो चैनल खाली है कुछ नहीं जा रहा है मेन वाइल सम वो वाला जो टाइम था ना वो 2017-18 जैसे शायद आप लोगों को भी पता हो उस दौरान बहुत सारे लर्निंग चैनल्स आ गए जिनमें से बहुत से चैनल्स आज की डेट पे बड़े बड़े एडेक्स भी बन चुके हैं वो वाला ही फेज़ था जब जियो का भी पेनेट्रेशन हो चुका था तो इंटरनेट की जो एक्सेसिबिलिटी है वो भी बढ़ गई थी बहुत लर्निंग चैनल्स आ गए थे तो बेसिकली कॉम्पिटिशन काफ़ी बढ़ गया था बट एट द सेम टाइम मुझे ये भी दिख रहा था कि मेरा चैनल का जो ग्राफ है ना वो नीचे जा रहा है वो मुझे दिख रहा था बट आई वॉज नॉट हैविंग अ चॉइस एट दैट टाइम मतलब मेरे पास कोई चॉइस नहीं था क्योंकि मेरे पास और तो कोई था नहीं बनाने के लिए तो वो जो फेज था ना सच पूछो तो इट वॉज वेरी डिजअपॉइंटिंग डिजहार्टनिंग डिस्करेजिंग क्योंकि मतलब आप समझ रहे हो ना कि आप यहाँ से यहाँ गए थे उसके बाद आपको दिख रहा है कि वो नीचे आ रहा है तो वो जो टाइम है ना दैट इज द टाइम आई थिंक वी नीड टू बी द स्ट्रोंगेस्ट जब हमको ये सोचना है कि वॉट नेक्स्ट मतलब मैं आज तो कुछ नहीं कर पा रही हूँ फॉर वॉट एवर रीज़न बट मुझे आगे क्या करना है तो मैं इस बात के लिए बहुत ज़्यादा डिटर्मिट थी कि ठीक है ये एक मेरा फेज है बट मैं वापस आऊंगी और जब मैं वापस आऊंगी तो मैं ऊपर ही जाऊँगी 2019 पे मैं वापस आई ठीक है पहले तो सबसे पहले मैंने थोड़ा पॉज लिया ये सोचने के लिए जो मैं कर रही थी उसी को अब करना काफ़ी नहीं है क्योंकि अब क्या है इस स्पेस में बहुत कॉम्पिटिशन है तो मुझे अगर अपनी जगह बनानी है तो कैसे बनानी है कुछ तो मुझे ऐसा करना है जिससे बच्चे मेरा कॉन्टेंट देखें राइट वरना तो वो डिस्कवरी नहीं कर पाएंगे मुझे कि मैं कहाँ हूँ मैं खो जाऊंगी भीड़ में सो so, मैंने उस समय थोड़ा पॉज लिया थोड़ा टाइम दिया थोड़ा सोचा और इस बार मेरा फोकस था कंटेंट कि फ्री ऑफ कॉस्ट मैं कंटेंट का क्वालिटी ऐसा दूंगी कि लोग कहेंगे कि पे करके भी हमें ऐसा कंटेंट नहीं मिला अब मेरे पास रिसोर्सेस थे क्योंकि अब यूट्यूब थोड़ा पुराना हो चुका था अब कैमरा माइक सब कुछ मुझे पता था कैसे करना है ग्रीन स्क्रीन एडिटिंग अब मुझे चीजों का आइडिया था एंड आई फील दैट कहीं ना कहीं मैं आई एम अ बिट ऑफ अ क्रिएटिव पर्सन एज वेल तो आ, जैसे ना मुझे इस तरह की चीजें सोचनी अच्छी लगती है कि अच्छा मुझे ये बताना है तो मैं कैसे बता सकती हूँ इसको ऐसे बता सकती हूँ मतलब समझो ना आई जनरली ट्राई टू थिंक कि इसको कैसे समझा सकते हैं इसमें क्या कर सकते हैं किसको स्टोरी फॉर्म में या एंटरटेनिंग वे में कैसे बताया जाए तो आई जनरली स्पेंड सम टाइम डूइंग दैट एंड वो जो फेज था ना उस समय मैंने चीजों को काफी डिफरेंटली प्लान किया उसके बाद अच्छा एक चीज़ मैं बताना भूल गई थी कि जब मैंने चैनल शुरू किया था ना तो मैंने चैनल का नाम रखा था एग्जाम फियर इसके पीछे भी एक कारण था कि जैसे कि मैं बता रही थी ना कि इंडिया में मुझे अधिकतर बच्चे एग्जाम के डर से ही पढ़ते हुए दिखते हैं उनको समझ में नहीं आता है डिफ्रैक्शन का डेफिनेशन क्या है लेकिन फिर भी वो रट के चले जाते हैं क्योंकि नंबर आ जाते हैं राइट right. तो एग्जाम फियर नाम रखा था और उसका जो एक्स था ना उसमें एक ऐसे डेंजर का सिंबल बना होता था तो बहुत से लोग मुझे कहते थे कि यार तुमने ऐसा नाम क्यों रखा है एग्जाम फीलिंग करेक्ट एग्जैक्टली यही बात मुझे कई लोगों ने बताई थी hmm. तो मैंने जो है ना पूरा नाम चेंज कर दिया और मैंने इसको लर्नो हब बना दिया बिकॉज एंड ऑफ द डे मेरा जो मेन फोकस था दैट टू मेक लर्निंग एनगेजिंग ये मेरा मेन मुद्दा था इस बार अब क्या हुआ जो मेरा कंटेंट का जो फॉर्मेट था ना वो कंप्लीटली चेंज हो गया अब जो है मैं ग्रीन स्क्रीन पे इससे पहले तक जब मैं पहले बनाती थी तो उसमें मैं नहीं दिखती थी मेरे पास कैमरा वगैरह का कोई सेटअप वगैरह था नहीं तो वो पीपीटी वाली वीडियोस होती थी जिसमें ऑडियो आ रहा होता था और मैं वो पेन टैबलेट से लिख रही होती थी मेरा वीडियो का वॉल्यूम उसके इसके बाद बहुत हाई नहीं रहा बट वो जो वीडियो की जो क्वालिटी थी ना उस पर मैंने बहुत ज़्यादा फोकस किया एंड एंड ऑफ द डे उसका मुझे रिजल्ट भी मिला वो वन शॉट सीरीज़ जो है वो इतनी चली बच्चों ने बोला कि हमने पेड कोर्सेज ले रखे मतलब वैसे भी ना इंडिया में तो सर ये भी है ना कि पेरेंट्स को लगता है कि फ़्री का है फ्री में हम रिलाई करें क्या पर्सनली मैं बहुत से ऐसे बच्चों से मिली हूँ जो कहते हैं कि उन्होंने कहीं पे भी पेड अपना ज्वाइन कर रखा था चाहे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट हो या ऑनलाइन कोर्सेज हो बट वो कहते हैं कि हमें ना उधर समझ में नहीं आया फिर हमने वन शॉट वीडियो देख के ही समझा <laughs> तो मतलब वो चीजें होती रहती हैं। मतलब पैसे किसी और को दे रहे हैं लेकिन काम हैं <laughs> <था। laughs> <था। laughs> तो इसीलिए ना हमारे वीडियोज का एक टैगलाइन होता है कॉन्सेप्ट होगा क्रिस्टल क्लियर मतलब दैट हैज़ बिकम अ टैगलाइन नाउ जब भी मैं वीडियो शुरू करती हूँ तो मैं कहती हूँ कहीं तो ना तो मतलब, कहीं ना कही वो एक सेटिस्फैक्शन भी है कि मतलब बच्चों को चीजें समझ में आ रही हैं डीप डाउन जो आप कह रहे हो आई स्ट्रॉगली बिलीव इन एजुकेशन मस्ट बी फ्री फॉर ऑल करेक्ट ओनली देन इज गोइंग टू बी लेवल प्लेइंग फील्ड चाहे कोई अमीर का बच्चा है चाहे गरीब का बच्चा है एजुकेशन फ्री होनी चाहिए मतलब एजुकेशन का मॉडल ये होना चाहिए जो पहले होता था एक समय पर कि गुरु दक्षिणा वाला कि अगर आपके पास में पैसा है देने के लिए एक रुपए है दस रुपए है हजार रुपए है दस हजार रुपये है आप दे दो लेकिन अगर आपके पास में नहीं है तो आपको नहीं रोकना चाहिए आगे बढ़ने से एग्जैक्टली exactly. तो एटलीस्ट आपके जैसे कुछ लोग और होने चाहिए जो अपने सेल्फिश इंटरेस्ट को हटा करके सोचो so, so, कितने राजा महाराजा कितने लोग कितने आए कितने गए, को याद है क्या बट आज इन्होंने जो शेयर किया है यहां पर आई मस्ट से यूलबर्ड फॉर एवर मैं सच बोल रहा हूं मेरी इस बात को याद रखना एक दिन ऐसा होगा जब इस दुनिया में मैं नहीं होगा, आप नहीं होंगे लेकिन ये वीडियो हमेशा हमेशा के लिए रहने वाली है विल बी देयर फॉर एवर You will be there as an inspiration for generations to come. अगर आप अपनी इस बात पर टिक पाते हैं, जो बात आपने कही है, वैसे तो मैं देख पा रहा हूं आपके अंदर वो जो conviction <laughs> है, आपकी आंखों में नजर आ रहा है कि ये जो conviction है आपके अंदर कि 100 percent आप कह रहे हो कि फ्री है तो फ्री है। अगर इस हाँ। आप टिक पाते हो तो बहुत कमाल है। <laughs> थैंक यू सो मच फॉर कमिंग यहाँ पर आकर थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी मतलब द संदीप महेश्वरी ही मैं कहूंगी से मिलना ही अपने आप में एक एक्सपीरियंस है एंड आई गॉट दैट एक्सपीरियंस टूडे थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच